सीटू और हिमाचल किसान सभा की ओर से आज प्रदेश भर के अंदर हिमाचल प्रदेश के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों के अंदर केंद्र सरकार की मजदूर किसान और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए गए हैं। ये आज के प्रदर्शन जो हैं 5 अप्रैल की जो दिल्ली में रैली होने जा रही है उसके सिलसिले में है। ये माना जा रहा है कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा मजदूर किसान और कृषि मजदूर जो हैं दिल्ली में 5 अप्रैल को केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है लगातार मजदूरों और किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आम जनता के खिलाफ काम कर रही है। मजदूरों के कानूनों को ख़त्म किया, 4 लेबर कोड बनाए जो मालिकों के पक्ष में थे, किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून लाए जिस पर किसानों ने जो निर्णायक लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार औंधे मुँह गिरी। ये भी जनता ने देखा कि पूरे कार्यकाल में जो पूरे सार्वजनिक संस्थान हैं, चाहे BSNL है, बीमा है, बैंक हैं, हवाई क्षेत्र का जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, पोर्ट हैं, समुद्री जहाज का जो महकमा है, नेशनल हाईवे हैं, 4 लेन हैं, सार्वजनिक सेवाएं भी जो हैं, बिजली है, लोक निर्माण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कोई ऐसा दायरा बचा नहीं 2014 के बाद जिसको एक एक करके जो है इस सरकार ने ना बेचा हो। कौड़ियों के भाव जो है बोली लगी है, खरीदने वाले जो हैं वो सबको मालूम है, इस देश के बड़े पूंजीपति हैं, औद्योगिक घराने हैं। और जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने, एंडरसन की रिपोर्ट ने जो है स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से जो है अडानी ने पूरी मिली भगत की, किस तरीके से जो पूरा उसका बिजनेस है वो किस तरीके से सट्टा मार्केट के जरिए चलता है, उसमें केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो किससे छिपी नहीं है, पूरी तरह से केंद्र सरकार जो है अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। आज महंगाई किस रूप में बढ़ रही है आप सभी देख रहे हैं, आज तक के निर्णायक स्तर पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर जो है बेरोजगारी बढ़ गई है। जहां भी रिटायरमेंट हो रही है नए लोगों को नहीं रखा जा रहा है, नियमित भर्तियां बंद है, कच्चे किस्म का रोजगार बन रहा है, फिक्स टर्म आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, पार्ट टाइम है, मल्टीटास्क है, आउटसोर्स है, ना जाने कितने नाम जो है दिए जा रहे हैं और जिसमें सामाजिक सुरक्षा मजदूरों की बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म है। जो स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, आशा वर्कर है, उनके लिए नीति नहीं बनाई जा रही है, उनको नियमित नहीं किया जा रहा, बल्कि उल्टा जो हमला करने की कोशिश है, मनरेगा के बजट में कटौती हुई है भारी, हिमाचल प्रदेश के अंदर मनरेगा मजदूरों को जो है श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, आम जनता विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, आम जनता विरोधी नीति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, सोच के लिए नीति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो, लागू करो, लागू करो, 26,000 रुपए लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसान विरोधी फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मनरेगा मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, स्कीम वर्कर्स को नियमित करना होगा, करना होगा।